हाँ। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार। आज मैं ग्राम जावद में एक उन्नतशील कृषक श्री गोपाल जी माली के खेत पे हूँ। इन्होंने इंडस कंपनी की पपीता की वैरायटी रेड सन डार्फ लगाई थी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। बताइए गोपाल जी, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको इस बारे में कैसे पता लगा वैरायटी के बारे में? वैरायटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें, और इसमें वायरस भी कम आते हैं। इसी टाइप का अपन ने दूसरा भी लोकल वैरायटी का बीज लगाया था, तो उसके वजह इसमें अच्छा रिजल्ट है और इसमें वायरस की संभावना बहुत कम रहती है। आपने कितना पैकेट लगाए थे टोटल फील्ड में? टोटल फील्ड में 7 पैकेट लगाए थे। 7 पैकेट मतलब लगभग 4000 के करीब आपके प्लांट थे। हाँ हाँ। ये कितने एरिया में लगा हुआ है अभी टोटल आपका? ये अभी साढ़े चार बीघे में है। और अभी तक आप इसमें से कितना माल निकाल चुके हैं? अभी तक इसमें से किलो में होगा शायद, एक मिनट बता, कैलकुलेशन करके बता दूँ मैं, 150 क्विंटल के आसपास। 150 क्विंटल माल निकाल चुके हैं। हाँ, और कितना आप उम्मीद करते हैं आगे कितना माल निकल जाएगा आपका? अभी इसमें निकलेगा एक पौधा लगभग 1 क्विंटल के आसपास माल है इस पर, तो 2000 पौधे हैं। 2000 पौधे आपके चेस्ट पीछे में देखा था। ऐसे माल को प्रेफरेंस मिलता मार्केट में, लोग पसंद इसको करते हैं। हाँ, तो गोपाल जी, आप किसानों से क्या कहना चाहते हैं इस वैरायटी के बारे में कि वे अगर इसका उपयोग करते हैं, लगाते हैं, तो कैसा रहेगा उन लोगों? मेरा जो अनुभव है ना, तो दूसरे बीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए जी। तो कंपनी का, क्योंकि खर्चा जो का जो, सब मेहनत जो की जो, और वैरायटी अपन लोकल लगा देंगे तो अपने को वो रिटर्न नहीं, फायदा उत्पादन नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं मिलेगा उसका जी जी। और समय जैसे समय की बचत होगी, पर इससे अपने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये थे श्री गोपाल जी, जिन्होंने पपीता इंडस कंपनी का रेडसन लगाया है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसमें इन्होंने किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया है। और जावद में इनकी एक टीवी की दुकान है, वहाँ से ये 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिदिन कितना हो जाता है अपना, 3-4 क्विंटल बेच देते हैं। 300 से 400 किलो प्रतिदिन वहाँ से ये माल बेचते हैं। गोपाल जी, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 9425107514।